मन के द्वारा हमें आध्यात्मिक विषयों का स्मरण करना चाहिए और भौतिक विषयों का नहीं। अगर हम भौतिक विषयों का स्मरण करेंगे तो आस्ते आस्ते भाव भी बढ़ेगा ऐसे कार्यों में जुड़ने के लिए। हमें पखंडी भी नहीं बनना चाहिए। एक समय एक वैश्य का घर था, जिसके घर के सामने एक ब्राह्मण का घर था। तो वैश्य का तो आपका धंधा है, तो वो वैश्य सारा दिन बढ़ाने में रहती थी, गिरा की राह देख रही थी और मन में वो सोचती रहती थी अगर मेरा जन्म ब्राह्मण खानदान में हुआ अगले जन्म में तो मैं भी उस ब्राह्मण जैसे सारा दिन शास्त्र पढ़ूंगी, ये पाप का धंधा नहीं करना पड़ेगा। और वो ब्राह्मण सामने तो ग्रंथ रखा हुआ था, मन में सोच रहा था हाँ अभी गिरा गया है अंदर, क्या उस वैश्य के वो विलास के विषय में सोच रहा था। तो उस इलाके में आग लग गई जिसमें दोनों वैश्य की भी मृत्यु हो गई और ब्राह्मण की भी। तो यामदूत आए ब्राह्मण को लेने। ब्राह्मण ने कहा आप गलत पते पर आ गए हो, आपको तो वैश्य के पास जाना चाहिए। तो यामदूत ने कहा वैश्य पाप के धंधे में जुड़ी थी और मन में सोच रही थी कब ब्राह्मण बनूंगी, आप दिखावा कर रहे थे ब्राह्मण का, वो दिन रात सोचते थे वैश्य के भोग विलास के जीवन में कितना आनंद है, तो आप चलो सजा हो गए निकले। तो भगवद गीता में कहा गया है हमें प्रिटेंडर नहीं बनना चाहिए। प्रिटेंडर मतलब बाहर से ब्राह्मण साधु का रूप और मन द्वारा ये इंद्रिय तृप्ति के विचारों में जुड़े रहे। ऐसे जुड़े रहोगे भक्ति आपकी कमजोर हो जाएगी। फिर आप ये सोचोगे नहीं नहीं ये मेरे बस के लिए नहीं है, मेरे लिए बहुत कठिन है, मुझे घर जाना चाहिए वगैरह। अगर आप शुरू से ही नियम करो जैसे कल विचार आए तुरंत नहीं एकदम बाहर फेंक दो। और भगवद गीता में वहाँ क्या 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 कहते हैं कि मन भटकेगा वहाँ से उसे वापस खींच कर ले आओ। बच्चा बीच बच्चा भागता है तो माता क्या करती है भाग कर उसे वापस ले आती है। मन जब गलत स्थान में भटक रहा है उसे वापस ले आओ। और भौतिक विषय की बजाय आध्यात्मिक विषय बिठाओ। तो ये होना चाहिए हम लोगों का उद्देश्य।